नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही थमती नजर आ रही हो, लेकिन कोरोना वायरस दिन ब दिन अपने रंग बदल रहा है। कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों में लगातार नए नए संक्रमण और बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। ब्लैक फंगस के बाद अब कोरोना के मरीजों में पहली बार साइटोमेगालोवायरस यानी कि CMV इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों में पहली साइटोमेगालोवायरस से जुड़े रेक्टल ब्लीडिंग के 5 मामले मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दर्ज किए गए हैं। अस्पताल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से संक्रमित कम इम्यूनिटी वाले रोगियों में साइटोमेगालोवायरस के मामले आए हैं। इन रोगियों को रेक्टल ब्लीडिंग यानी मल के रास्ते से रक्तस्राव की समस्या हुई है। 5 ऐसे मरीज हैं जो कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसमें रेक्टल ब्लीडिंग की समस्या के बाद जांच में साइटोमेगालोवायरस का पता चला है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद लोगों में कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। पहली बार कोरोना से संक्रमित मरीजों में साइटोमेगालोवायरस के मामले देखे गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड पेंट्रियोटिकोबिलरी साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल अरोड़ा के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये मामले संक्रमित मरीजों में नजर आए हैं और साइटोमेगालोवायरस से प्रभावित सभी मरीज कुछ दिनों पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इन मरीजों को पेट में दर्द और रेक्टल ब्लीडिंग की समस्या रही है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने के 20 से 30 दिन बाद ये समस्या इन रोगियों में देखी गई थी। सर गंगाराम अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड पेंक्रियाटिक गोबिलरी साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने बताया कि साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन ज्यादातर उन लोगों में होता है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर हो। लेकिन इस वायरस के लक्षणों वाले इन 5 मरीजों को पहले कैंसर या एड्स जैसी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो। इन मरीजों को CMV इन्फेक्शन होने का कारण कोरोना संक्रमण था, क्योंकि ये मरीज 20 से 30 दिन पहले ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक देश के लगभग 80-90% लोगों के शरीर में ये वायरस है। प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने बताया कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब तक ब्लैक और वाइट फंगस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन साइटोमेगालोवायरस की लगभग 80-90% लोगों में मौजूद है, जो कोरोना से संक्रमित मरीजों में इम्यूनो प्रेशर की वजह से एक्टिव हो सकता है। साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन वाले सभी मरीजों को रेक्टल ब्लीडिंग की समस्या हो रही थी, इसीलिए इन मरीजों में समस्या की जांच के लिए बायोप्सी की गई तो इन मरीजों में साइटोमेगालोवायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों की माने तो CMV को लेकर लोगों में अभी उतनी जागरूकता नहीं है जितनी ब्लैक और व्हाइट फंगस को लेकर हुई है। उन्होंने कहा है कि समस्या का पूरी तरह इलाज संभव है, लेकिन मरीज को समय पर अस्पताल जाने की जरूरत है। इन बीमारी के लक्षण दिखते ही मरीज को अस्पताल जाना चाहिए। प्रोफेसर अरोड़ा के मुताबिक इस समस्या का इलाज एंटीवायरल थेरेपी है। ऐसे मामलों में शुरू में इलाज और प्रभावी एंटीवायरल थेरेपी से इलाज संभव है और इससे संक्रमित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। CMV वायरस चिकन पॉक्स, हर्पीस सिंप्लेक्स और मोनोन्यूक्लियोसिस संक्रमण के वायरस से संबंधित है। साइटोमेगालोवायरस लगभग सभी शरीर में रहता है, लेकिन ये हमेशा निष्क्रिय रूप में बिना किसी नुकसान के शरीर में मौजूद होता है। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं या किसी संक्रमण व बीमारी की वजह से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम हो जाती है, तो ये साइटोमेगालोवायरस सक्रिय हो जाता है और शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।